दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक है किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। विस्तार से। बढ़ती तपिश और गर्मी से चिंतित हो, औरंगाबाद के डीएम राहुल रंजन महिवाल ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के स्कूलों का संचालन सुबह 11 बजे तक ही करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत नर्सरी से 8 तक जहां 10 बजे तक, वहीं 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई 11 बजे तक ही हो सकेगी। डीएम ने इस आदेश का पालन नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो विद्यालय से नहीं मानेंगे उनके विद्यालय का निबंधन भी रद्द किया जा सकता है। गौरतलब है कि डीएम कोच से 27 अप्रैल को ये सूचना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों को भेज दी गयी थी, जिसमे 30 अप्रैल से इस नए समय सारिणी को सख्ती से लागू करने की बात लिखी गई है। लगभग 11 बजे तक सभी बच्चे छूट जाएं तेज गर्मी होने के पहले, और वो लू या ऐसी कुछ उष्माघात भी बोलते हैं इसको, निर्जलीकरण भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से शिकार नहीं हो उसके। कुछ दिनों में तो गर्मी की छुट्टियां हो ही जाएगी, मगर अगले 15 दिनों तक सतर्कता हम लोग रखेंगे, इसलिए स्कूल का टाइम हमने बदल दिया है। ऐसा कोई नहीं कर पाया उस पर है ना, शिक्षा विभाग के बहुत करे नियम है या डीएम के आदेश को नहीं मान के हम स्कूल बंद करवा सकते हैं, उनकी मान्यता रद्द करने के लिए लिख सकते हैं, उन पर केस दर्ज हो सकता है। बहुत सारे प्रावधान है जो बहुत कड़े हैं। बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। बड़े लोग तो सह भी सकते हैं गर्मी, मगर छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है गर्मी का कहर झेलना। औरंगाबाद के डीएम राहुल रंजन महिवाल ने बारुण स्थित कोचाड़ बालूघाट की बंदोबस्ती स्थायी तौर पर रद्द कर दी है। इस आशय का आदेश पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने कोचाड़ बालूघाट से बालू के उत्खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन उनके द्वारा हाल के दिनों में की गई छापेमारियों के दौरान वहां से भारी मात्रा में अवैध उत्खनन करते हुए पाया गया, जिसके बाद उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। उन्होंने बताया कि बालू के अवैध उत्खनन तथा फर्जी चालान के आधार पर सरकारी राजस्व की लूट का तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोचाड़ घाट है बारुण में, वो स्टे था हाईकोर्ट से, ऑनरेबल हाईकोर्ट से, तो उसमें नहीं उत्खनन करना चाहिए था। तो हम लोग की छापेमारी में वहाँ भारी मात्रा में खनन मिला था अवैध, तो हम उसको परमानेंट उसका बंदोबस्त रद्द कर रहे हैं, ऐसा आदेश आज निकाल दिए। दूसरे भी जो आसपास के घाट हैं, केशव घाट या अन्य, वहाँ भी अगर गलत तरीके से अनियमितता, अवैध खनन है, तो उस पर भी हमारी नियमित कार्रवाई चल रही है। एक घाट का पास चालान दूसरे घाट पे नहीं मिलना चाहिए, वो भी धोखाधड़ी का केस है। तो काफ़ी हम लोग FIR कर रहे हैं, जुर्माना वसूल कर रहे हैं, सरकार के राजस्व में वो बढ़ोतरी भी होती है जुर्माने से, और जाँच करके हम लोग आगे भी ऐसी कार्रवाई घाटों को रद्द करने की, बंद करने की जारी रखेंगे। सब छोड़ के हम तो भागेंगे फुल स्पीड में तो।
छोड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। औरंगाबाद के लाल अमृतेश ने यूपीएससी की परीक्षा में 363वां रैंक लाकर न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे सूबे का नाम रोशन किया है। इसे लेकर ओबरा प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव मखरा में जश्न का माहौल है और लोग फूले नहीं समा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि शुरुआत से ही अमृतेश काफी मेहनती थे और पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। रांची के BIT मिश्रा से शुरुआती पढ़ाई के बाद अमृतेश हैदराबाद में वर्तमान में प्राइवेट नौकरी करते हुए UPSC की परीक्षा में सफलता हासिल कर लोगों को ये संदेश दिया है कि जज्बा हो तो सफलता जरूर हासिल की जा सकती है। मैं अभिषेक की माँ भी बोल रही हूँ। बहुत हर्ष की बात है कि मेरे घर में बहुत खुशी आया, मेरे घर गांव का नाम रोशन किए। परिवार के तरह बहुत अच्छे लड़के थे, अपना करियर बहुत अच्छा ढंग से अपना संभाले। क्या कहें, हम खुशी से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा है, इतना मैं खुश हूँ, क्या बताऊँ। बहुत मेहनत, आप इस गांव का पूरे जिले का नाम रोशन किए हैं और आप लोग का परिवार का क्या योगदान रहा, कुछ इस पे भी बात बताइए। हम लोग परिवार का बहुत योगदान रहा, माँ बाप का ज़्यादा रहा, क्योंकि माँ बहुत अपने बच्चे पर ध्यान देती थी। माँ का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। उनको उनके कार्य क्षेत्र के लिए उनको आप बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, वो आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, पूरे जिला का करें, गाँव का अपना करें, परिवार का नाम रोशन करवे किए, औरंगाबाद जिला का किए। लड़का बहुत तेज था, बहुत परिश्रमी था और अपने परिश्रम के बल पर आया है, इसके लिए इसे सहर्ष धन्यवाद देते था। कितना रैंक लाया? मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा मनाए जाने वाले पर्व सभी बारात को लेकर शांति समिति की एक बैठक देव थाना में प्रभारी थाना अध्यक्ष SI अमरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष ने इसमें शामिल नगर के सभी गणमान्य एवं प्रबुद्ध लोगों से कहा कि भारत सर्वधर्म संपन्न देश है और यही कारण है कि इसे धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए ताकि शहर की गंगा जमनी तरजीह का संदेश जिले के लोगों को प्राप्त हो। बैठक में शामिल नगर वासियों ने भी पर्व को प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। देव थाना क्षेत्र के गंजेड़ी स्थान के समीप यात्रियों से भरी एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ऑटो चालक रामेश्वर राम सहित एक सवारी धर्मेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसमें सवार अन्य 4 यात्रियों को आंशिक चोटें आई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देव लाया गया, जहाँ चालक रामेश्वर राम एवं धर्मेंद्र सिंह की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल औरंगाबाद भेजा गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जाता है कि ऑटो बुधुया बरियावा से औरंगाबाद के दानी बेरिया आ रही थी और गंजेड़ी स्थान के पास हादसे की शिकार हो गई। तो कुछ लोग, दो व्यक्ति जो घायल थे उसको लेकर के अपने वाहन से आए थे और दोनों को गंभीर रूप से चोट लगी हुई थी। पता चला कि एक ऑटो जो है उलट गया है और उसमें दोनों घायल हो गए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।